ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2014 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है, पहला, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाए कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए, फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं? कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहां पढ़ाई होती है यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो, माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठें व अलग अलग बैठें, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। परंतु कोई विरले ही
याद करते हैं, माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भल कुछ भी ना करें, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं, कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है। इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे। सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी
बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं, मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं, हमको इस एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे, अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है। युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल। बाबा कहते हैं, तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस किचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा, आप बेहद के बाप टीचर हो। आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकते। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे, एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना। तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर
बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। दो चार पांच रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। फिर गीत बजा, यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहां भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है
और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ। और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पुरानी किचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है। वरदान है अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भवा। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति।